गाइज मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक में। गाइज हम लोग आज एक ऐसे परिवार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने बकरी ईद पे कुछ ऐसा कर दिया कि उनके सब लोग जम के तारीफ कर रहे। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कमाल करके दिखा दी जिसकी वजह से उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आज की न्यूज अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। सो गाइज बकरी ईद 12 तारीख को सोमवार को थी और जम के लोगों ने बहुत ही ज्यादा मजे से बकरी ईद मनाई और लोगों के जो परिवार थे वो परिवार बहुत ही ज्यादा खुश थे और उन्होंने काफी ज्यादा कुर्बानियां भी दी और वो माना जाता है उन्होंने नमाज वगैरह भी पढ़ी। और नमाज बोलते हैं कि अगर जब पढ़ते हैं तब दिल से पढ़नी चाहिए और तभी अल्लाह उनकी नमाज कबूल करता है। तो बहुत सारे लाखों करोड़ लोगों ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के उन्होंने दुआ मांगी कि सुख शांति बनी रहे हर जगह पर और ऐसे ही सब चीजें चलती रहे जैसे चलती आ रही हैं। और इसकी वजह से उन्होंने कुर्बानी भी दी। कुर्बानी देते वक्त उन्होंने ये भी दुआ मांगी कि कोई भी जो भी बला या कुछ भी ऐसी सब चीजें आनी हो तो उन लोगों के ऊपर ना आए जिनके नाम पे वो कुर्बानी दे रहे हैं। सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुखी से उन्होंने ईद का त्योहार मनाया। और उसी जगह पर अभी एक ऐसा मामला हमारे सामने आया, एक ऐसा परिवार सामने आया है जिन्होंने कुछ इस तरीके से करके दिखा दिया कि उनके लोग जम के तारीफ कर रहे हैं। गुलमान शेरवानी आजमपाड़ा के रहने वाले हैं। इन्होंने कुछ ऐसा करके दिखा दिया, इन्होंने जैसे कि लोग बकरी ईद पे बकरे का बलि देते हैं और उसके बाद वो खुशी मनाते हैं, लोगों में बांटते हैं। और इसका क्या होता है कि अगर कोई भी घर पे रहता है तो उनके नाम पे बकरे को काटा जाता है, उसकी कुर्बानी दी जाती है कि उसके ऊपर आने वाली जो भी विपत्ति रहती है अल्लाह उसको कबूल करे और उनके बदले ये कुर्बानी दी जाए। इसी तरीके से इस परिवार ने बकरे की कुर्बानी नहीं दी, उन्होंने एक केक लेके आए, केक के ऊपर जो कि बकरे की छवि थी और उसको काट के अपने ईद का त्योहार मनाया। और जब उनसे पूछा गया कि आपने कुर्बानी क्यों नहीं दी तब उन्होंने ये चीज बोली कि हम लोग पहले बकरे को लेके आते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, फिर कुछ लोग बेच देते हैं और उनकी कुर्बानी हो जाती है। और मेरा जो बेटा है उसने बहुत ही अच्छी बात हमें एक बार समझाई थी कि हम किसी की जान क्यों ले, हमें किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। जिसको हम खिलाते हैं पिलाते हैं, जिसको हर वक्त अपने साथ रखते हैं, उसको एक दिन ऐसा आता है कि उसको हमें काटना पड़ जाता है। इससे बेटर है कि हम ये जो त्योहार है हमारे लिए खुशी का त्योहार है तो उसका सेलिब्रेशन भी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से अच्छे से होना चाहिए, ना कि किसी की कुर्बानी देके होना चाहिए। तो इसी तरीके से वो 2 साल से अभी तक अपनी ईद का त्योहार सिर्फ केक काट के ही कर रहे हैं। और वहां के जो गांव के सब लोग थे, और जब भी केक कटता है तो वहां के सब लोग वहां पर आते हैं और सब लोग वहां पर शामिल होते हैं और केक खा के जाते हैं और उनकी बहुत ही ज्यादा तारीफ होती है हर ईद पे जब भी वो ये केक काटते हैं कि ये इन्होंने किसी की जान नहीं ली, इन्होंने एक सेलिब्रेशन, एक ऐसा इतिहास वो किया है जो कि सबके लिए काबिली तारीफ है। सो गाइज काफी सारे लोग करते हैं जो कि उनकी सभ्यता है और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी की जान नहीं लेना चाहते, जिनका बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्ड होता है कि नहीं हमें नहीं लेना चाहिए, पर उनकी सभ्यता भी है। कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। सो गाइज अगर आपको इनके बारे में जान के अच्छा लगा है और वो केक काटना बहुत ही अच्छा लगा है तो प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपने भी बकरी ईद पे आपने कैसे सेलिब्रेशन किया तो प्लीज हमें बताइए, आपके दोस्त ने कैसे सेलिब्रेशन किया हमें जरूर कमेंट कीजिए और जाते जाते एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।